हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टाइमलाइनर्स पे। सो फ्रेंड, आज मैं आपसे बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरिफिसेस की। फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फ्रेंड एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो फ्रेंड इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरिफिस में सबसे पहले क्या कहते हैं, हम किस विहाप पे उसे क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू शेप, मतलब ऑरिफिसेस की क्या शेप है उसके विहाप पे हम उसे क्लासिफाई करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, पहला है सर्कुलर, जो ऑरिफिस की शेप है उसको सर्कुलर है या फिर स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगुलर है या फिर ट्रायंगुलर है, इनमें से किसी भी मतलब तरीके की हो सकती है। तो पहला जो विहाप है किसी भी ऑरिफिस को क्लासिफाई करने का, वो होता है अकॉर्डिंग टू शेप। इसके बाद देखिए फ्रेंड, जो ऑरिफिस को दूसरे कौन सा विहाप है जिस पर क्लासिफाई किया जाता है, तो दूसरा विहाप है जिस पर ऑरिफिस को क्लासिफाई किया जाता है वो है या तो स्मॉल होगा ऑरिफिस या तो लार्ज होगा। तो फ्रेंड ये दूसरा विहाप है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, तीसरा विहाप क्या है किसी भी ऑरिफिस को क्लासिफाई करने के लिए। देखिए ये फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विहाप है क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी से पूछे जाते हैं तो वो पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ स्ट्रीम एजेस। इसी बिहाफ पे सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी ऑरिफिस के। तो इसके बिहाफ पे ये दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है शार्प एज, दूसरा होता है बेल माउथेड एज। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी आपको ये समझा रखा है क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो देखिए फ्रेंड, जो शार्प एज होता है, तो आप यहाँ को दिख रहा होगा जो शार्प एज है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, मैंने यहाँ पे बना के आपको दिखाया है। तो मतलब ये शार्प एज कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये शार्प एज है, मतलब उसको जो इसकी एज है वो शार्प है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बेल माउथ आपको देख रहा होगा, सिंपल क्या कहते हैं ये, तो सिंपल ये लाइन के थ्रू कुछ इसी तरह से ये बना हुआ है इसके। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जो इसकी एज है साफ नहीं है, तो मतलब ये बेल माउथ है, मतलब एक शार्प एज है और एक क्या कहते हैं बेल माउथ है। तो फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ आपको। जो तीसरा वाला है अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ अपस्ट्रीम एजेस वाला, ये जो क्लासिफिकेशन होता है ऑरिफिसेस का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आज मैंने आपको बताया ऑरिफिसेस कितने टाइप्स के तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो फ्रेंड अगर आपको ये मेरा वीडियो बेनिफिशियल लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।